सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आस की के लिए बस एक सनम चाहिए, आस की के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम में 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी क्वेश्चन 2018 में किस टॉपिक से। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, स्थानीय मान, जातीय मान और अंकित मान। दोस्तों सबसे पहले स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और ये हमारा है जातीय मान और अंकित मान, सुनिए, यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ये जातीय मान और अंकित मान एक ही बात होता है दोस्तों, यानी जातीय मान कहे या अंकित मान कहे एक ही बात है। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में इसी को जातीय मान कहेगा, कभी अंकित मान कहेगा, और आपको याद रखना है यानी ये दोनों एक ही बात है, एगो स्थानीय मान है। तो जितने भी क्वेश्चन 2018 में इस टॉपिक से पूछे गए थे उसको करवा देते हैं। अब हम रेलवे के लिए टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे और जो जो क्वेश्चन पूछे गए, चूँकि आज इस टॉपिक को जैसे ही पढ़ेंगे तो आप केवल रेलवे नहीं, चाहे SSC हो या बैंकिंग हो या किसी भी एग्ज़ाम में स्थानीय मान जातीय मान से किसी भी तरह का, दशमलव का, भिन्न का, सीधा सवाल पूर्णांक वाला का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं छूटेगा, मेरा चैलेंज है, छोड़ के दिखा दीजिए इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान, जातीय मान या अंकित मान। बस दो ये गो चीज़ है, एगो स्थानीय मान है, एगो जातीय मान। जातीय मान को ही अंकित मान कहा जा रहा है। दोस्तों कोई संख्या 3, 5, 6, 7 कुछ भी लिख दे, 4, इसमें आप पढ़ते हैं कि नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर 5 की बात करें तो 5 पर जाके 1000 होता है, यानी 5 जो है हजार में स्थान पर है, नहीं समझे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी अगर ये नहीं है तो क्या पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5674 पढ़ते कि नहीं पढ़ते। इसलिए 5000 हुआ इसका स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000। अब तरीका ये है लिखने का कि जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको लिखो और उसके बाद जितने भी अंक है उतने जीरो दे दो, तो ये 5000 हो गया। लेकिन बात तो ये है कि स्थानीय मान होता कैसे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दोस्तों ये हमारा हो गया 5000। अगर इसमें 3 का स्थानीय मान कहे तो 3 लिखिए, 1, 2, 3, 4, इसके बाद जितने अंक है, 3 लिखने के बाद जितना अंक बच गया उतना जीरो दे देना है, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो दे दिए, बस 30000 हो गया। ये हो गया इसका स्थानीय मान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए आपसे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 2 लिख लीजिए, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव के पहले काम करिए, 2 के बाद 2 गो अंक है तो 2 जीरो दीजिए, और दशमलव है तो दशमलव, आ फिर कै गो संख्या है, 3 गो अंक है ना, तो 3 जीरो देना है, बस हो गया, क्लियर। अब सुनिए, अब अगर मान लीजिए इसी में पूछ लेता हमसे कि इस 3 का स्थानीय मान, इस 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिख, 1 0 इसके लिए, फिर दशमलव, और फिर 3 0, बस ये हो गया 3 का स्थानीय मान। दोस्तों अगर मान लीजिए इस 3 का चर्चा करता कि यह तीन जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा दशमलव के बाद वाला का, तो 3 को लिख लेना है। अब देखिए इसके बाद कोई अंक है, नहीं है, लेकिन आपको ऐसे सोचना है इसमें कि दशमलव के बाद ये पहला अंक है, तो बस यही दशमलव हो गया। चलिए
और उसके बाद अगर मान लीजिए इधर इधर जितने भी संख्या है उतने इधर जीरो ही जाएंगे, बस इस तीन का स्थानीय मान हो गया दोस्तों। इसमें देखिए अगर चार का स्थानीय मान कहा जाता, देखिए चार का स्थानीय मान, चार को लिख लेते, चार को लिख लेते, दशमलव के बाद कैम अंक है, पहला दूसरा दो अंक है, तो दो अंक बाद दशमलव होना चाहिए, दो अंक बाद दशमलव, आ इधर तो जितना है उतना जीरो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी दशमलव के बाद तो जीरो का कोई वैल्यू रह ही नहीं जाता है दशमलव के पहले या बाद। अब देखिए यानी पॉइंट जीरो चार है, इसको भिन्न में अगर लिखते तो चार बटा एक सौ लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा। अगर पाँच का स्थानीय मान पूछा जाए तो पाँच को लिख लेना है और दशमलव के बाद, या इधर कै गो अंक बच गया, दो गो अंक बच गया तो दो गो जीरो दीजिए, दशमलव है दशमलव दीजिए, या यूँ कहिए कि पाँच लिखने के दशमलव के बाद कैम अंक है तीसरा, तो तीन अंक में इसको ले आना है, बस हो गया। या यूँ कहिए कि पाँच लिख लीजिए और पाँच लिखने के बाद दो गो अंक और बचा तो दो जीरो उसके लिए, आ दशमलव की इधर तब फिर ये जितना है उतना जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ दशमलव के पहले केवल एक ही जीरो दीजिए, वही बात है, सेम बात है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कब कब क्या पूछा गया दोस्तों। और जातीय मान का मतलब ये होता है कि अगर इसमें जातीय मान पाँच का, तो यही पाँच है बस, जो इसका जात है वही, यानी पाँच है। इसमें कह देगा कि तीन के स्थानीय मानों का अंतर, अगर मान लीजिए कोई संख्या रिपीट है दो बार है, तो आपसे कहेगा तीन के स्थानीय मान का अंतर या तीन के स्थानीय मान का योग, तो इस तीन को लिखें और ये हो गया तीन सौ, इस तीन को लिखें तो बस तीन हो गया, यानी अगर योग कह देता तो तीन सौ तीन हो जाता जोड़ के, तीन सौ प्लस तीन कितना हो जाएगा, तीन सौ तीन हो जाएगा, आ अंतर कहता तो तीन सौ में से तीन घटा देते, दो सौ संतानवे आंसर हो जाता, तो ये बात होती है। अब हम आते हैं सवाल पर, कैसा कैसा सवाल पूछा गया था एग्ज़ाम में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल लेकर आ रहे हैं दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी सीबीटी जो एग्ज़ाम हुआ 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 28/9/2018 को, और थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। तो 6/8 में 5 के और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखना है। सबसे पहले 6/8 में भाग लगाइए, तो 6/8 का मतलब दोस्तों अगर इसको काटते हैं तो 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, तो 0.75 हुआ। आ इसको 6/25 को अगर ले जाते हैं दशमलव में, 25 चौका 100, 6 चौके 24, यानी बस इतना हो गया। इसके 5 के और इसमें 4 के स्थानीय मान का योग लिखना है। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना, 5 को लिखा और देखिए 5 के पहले इधर एक अंक है तो एगो जीरो और दशमलव जीरो बस। इसमें 4 के तो 4 लिखने के बाद इधर एक अंक है तो एक ही जीरो फिर दशमलव जीरो, यानी हमें जोड़ना है इसमें किसको जोड़ना है, 0.04 को, यानी 5 और 4 9 ये जीरो हो गया। और ये ऑप्शन जो दिया हुआ था भिन्न में दिया हुआ था, तो आप इसको 0.09 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 9/100 दशमलव हटाएंगे, दो अंक बाद दशमलव था तो दशमलव हटाए तो 20, यानी ये आंसर इस रूप में दिया हुआ था 9/100। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि और कैसा सवाल पूछा गया था दोस्तों। सवाल है आपके सामने, ये संख्या दिया हुआ है इतना में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करना है, 7 के स्थानीय मान और अंकित मान के योग में। तो दोस्तों इसमें 7 तो यहाँ पर है, 7 लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी 2 3 5 0, चलो हमने यहाँ पर कितना जीरो दे दिया, 5 0, यह स्थानीय मान निकाल लिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख, यानी 7 लाख हो गया। और 7 का ये तो स्थानीय मान हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, स्थानीय मान, स्थानीय मान हो गया, ठीक है, प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू यानी इसका अंकित मान कहे या जातीय मान कहे तो 7 होगा। अब इसका योग का है तो जोड़ लीजिए, यानी 7,07,000 हो जाएगा, 4 0 ये सब, बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आपका जातीय मान,
इन दोनों का योग कहा है तो जोड़ दिए, बस हो गया आंसर। आइए अगले सवाल को देखते हैं और क्या सवाल पूछा गया था। दोस्तों इस सवाल को आप खुद बना सकते हो। कहता है संख्या में छः के अंकित मान और स्थानीय मान का योग। छः के अंकित मान तो छः ही होगा, स्थानीय मान तो छः लिखे, इसके बाद कितना, एक दो तीन, यानी 6000 है ये। देखिए स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पर है यानी 6000 इसको पढ़ेंगे 6000। इसका ये तो स्थानीय मान हो गया और अंकित मान तो छः है यानी 6006 इसका आंसर हो गया। स्थानीय मान और अंकित मान, या स्थानीय मान और जातीय मान कहता तो वही बात होता। स्थानीय मान जातीय मान सेम चीज़ होता है, सॉरी जातीय मान और अंकित मान सेम चीज़ होता है, स्थानीय मान अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आइए दोस्तों सवाल है कि संख्या में अंक तीन का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो स्थानीय मान में कोई दिक्कत नहीं है और जातीय मान में भी कोई दिक्कत नहीं। सुनिए स्थानीय मान तो ये तीन लिख लिए, इस तीन को लिख लिए, इसके पीछे एक दो तीन, तो तीन जीरो दे देना है, फिर दशमलव दे देना है। अब इधर दो जीरो दो चाहे एक जीरो दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी यही है 0003। और अगर आपसे भिन्न में पूछ लेता है तो बस तीन एक दो तीन चार, चार अंक बाद दशमलव है तो नीचे में एक पर चार जीरो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। या यूं कहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन गुने दस का पावर माइनस चार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दस का पावर चार है नीचे में, लेकिन ऊपर जाएगा तो दस के पावर माइनस चार हो गया। ऐसे भी ऑप्शन दिया जा सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 14/12/2018 सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में। तो देखिए पूछ रहा है कि इस संख्या में दो पाँच के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। दो गो पाँच है इसमें, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इकाई दहाई यानी पाँच दहाई पचास, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हज़ार यानी 50000 है। पाँच लिखे और चार जीरो यहाँ बैठ गया। ठीक है, कहता है कि अंतर बता दो, अंतर कौन बड़ी बात है, 50000 और 50 में अंतर लीजिए, 50000 में से 50 घटा लीजिए, ये जीरो 10 में से 5 गया 5, ये 9 जीरो, ये कितना यहाँ हो गया जीरो और तब 9, यानी 49050 हो गया। आपका आंसर तैयार है। तो दोस्तों आगे भी सवाल इसी तरह का था, अब कोई दशमलव में वाला भी नहीं था, तो बड़ा सिंपल है, बस स्थानीय मान जान गए। आ जातीय मान अंकित मान एक ही होता है, और जातीय मान या अंकित मान का मतलब जो लिखा हुआ है, या दशमलव के पहले या दशमलव के बाद या बिना दशमलव वाला जो लिखा है वही वैल्यू। अगर पाँच पूछ रहा है तो पाँचें हो गया जातीय मान या अंकित मान, स्थानीय मान आप सीख ही गए। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगला टॉपिक हम फिर लेकर आते हैं, टॉपिक वाइज आपको करवा देते हैं कि किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टॉपिक वाइज चलिए बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।